कि 6 महीने में आप 7,25,000 करोड़ हासिल कर पाएंगे। क्या आपके ने कौन सी जादू की छड़ी है बताइए, क्या आप सबके सरों पर बंदूक लगाकर बोलेंगे दे पैसा 7,25,000 करोड़ 6 महीने में। बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं मैं, आपके जरिए से मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से जानना चाहूंगा कि आखिर इस ऐवान की कोई सैंक्टिटी है या नहीं है, क्या आपकी सरकार इस सैंक्टिटी को मानती है नहीं मानती है, क्योंकि बजट तो आपने पास करा है अपनी ताकत की बुनियाद पर, अददी ताकत की बुनियाद पर। क्या आपको इतना होश नहीं था, इतनी दूरंदेशी आप में नहीं थी कि आपको फिर यह बिल लाना पड़ा? मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से जानना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में सरकार 10 से 11% खर्चा करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, आप टैक्स कलेक्शन कम कर रहे हैं, इनइक्वालिटी सोशल इनइक्वालिटी कम करने के लिए आपको टैक्स कलेक्शन जरूरत है, उल्टा आप कम कर रहे हैं। मेरा आपके जरिए से हुकूमत से सवाल यह है सर कि हमने इनडायरेक्ट टैक्स का जो ग्रोथ 17-18 में हुआ वो 5.80% है, और वही अगर आप 16-17 में देखेंगे तो 21.33% था। क्या यह सच है या झूठ है वो अपने जवाब में बता दे। दूसरा सवाल मेरा हुकूमत से यह है सर कि 6 महीने में आप 7,25,000 करोड़ हासिल कर पाएंगे, क्या आपके ने कौन सी जादू की छड़ी है बताइए, क्या आप सबके सरों पर बंदूक लगाकर बोलेंगे दे पैसा 7,25,000 करोड़ 6 महीने में। तीसरा सवाल मेरा हुकूमत से यह है कि यह बात सच नहीं है कि पिछले 3 महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,00,000 करोड़ नहीं हुआ है, और क्यों आपकी सरकार स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है कंपनसेशन देने के लिए, क्यों कंपनसेशन नहीं दे रहे आप? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप स्टेट को कंपनसेशन क्यों नहीं दे रहे? कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है कि अगर स्टेट को हिस्सा नहीं मिलेगा तो आप देंगे, आप दे नहीं पा रहे हैं और आप ये बात कर रहे हैं। चौथा सवाल हुकूमत का मेरे आपके जरिए से है कि क्या यह सच नहीं है कि कोर सेक्टर प्रोडक्शन सितंबर का बताता है कि -5.2% हो गया, 14 साल में सर कोर सेक्टर प्रोडक्शन माइनस में जा चुका है, यह सच है नहीं जवाब दीजिए। क्या यह बात सच नहीं है सर कि बैंक क्रेडिट जो है 23 महीने का यानी 8.7% सितंबर 2019 में आ गया, जबकि अगस्त 2019 में 10.26% था, अच्छे दिन आ गए क्या सर? सर मेरा छठा सवाल हुकूमत से, कई बात सच नहीं है कि कॉम्प्टर जनरल ने कहा कि ग्रॉस सेंट्रल टैक्सेस जो है अप्रैल सितंबर 2019 में सिर्फ 1.5% ग्रो है, और अप्रैल सितंबर पिछले साल में 8.6% ग्रो हुए थे, बताइए कहीं लॉस ग्रोथ नहीं है 2009 और 10 के? मेरा सातवां सवाल हुकूमत से यह है कि क्या आईआईपी डिक्लाइन नहीं हुआ सर 0.4% जुलाई सितंबर में क्वार्टर में? दिस इज द लोएस्ट लेवल अंडर 2011-12 बेस सीरीज। ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में जो बोलना है सर सारी दुनिया जानती है कि शार्प कॉन्ट्रैक्शन आया है -23.3% का। रिटेल इन्फ्लेशन सर आप देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज टू 4.6% अक्टूबर 2019, दिस इज फिफ्थ स्ट्रेट मंथ ऑफ इंक्रीज फ्रॉम 4% सितंबर 2019। व्हाई इज इट? इट इज बिकॉज ऑफ योर इनकॉम्पिटेंस इन राइजिंग प्राइस ऑफ वेजिटेबल प्राइस सर। इन्फ्लेशन इन वेजिटेबल पर इंक्रीज टू 19-month हाई ऑफ 15.4% इन 2019 from 6.9 August 2019. What are you doing? For God's sake, it is your with 300 odd MPs, you are not able to control it. From 6.9 August, it increased to 15.4%, sir. Inflation in onions, which rose to 66.4% from 6.4% period. And as a result, consumer food price-based inflation increased to 21-month high of 5.1% in September 2019. From 3% in August 2019, sir. From 3% in August 2019, it has increased to 5.1%. What consumer food price? And you talk about Aam Aadmi. Sir, isn't it true that the Comptroller General of Accounts had also said that the cumulative growth in gross tax during the first 6 months of this financial year, April-September, was the lowest since 2009 and 2010. Now, all these are empirical data. This clearly shows that this country is in recession. We are not having a chaden. Mr. Modi's face cannot revive the economy. You require brains. I'm concluding. I'm concluding, sir. I want to know from the government. World Happiness Index, achhe din sab changa hai. Happiness Index, World Bank says that India has dropped to 140. We are worse than Pakistan. What the World Bank Happiness Report says, people increase in negative emotions, anxiety, sadness. I'm concluding, sir. I want to say, I'm charging this government by saying
that they are obsessed with corporates, they are in love with Sensex, and they hate common people, and that is why they are in love with electoral bonds, sir. That is the tragedy of this country.